राजनांदगांव जिले में धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध डोंगरगढ़, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में अपना स्थान रखता है। एक ओर जहां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना के तहत विभिन्न विकास कार्य डोंगरगढ़ में करने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर की सड़कों और डोंगरगढ़ बोरतलाव अंतर्राज्यीय सड़क की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। वहीं शहर की खस्ता हालत सड़कों को लेकर अब सियासत भी तेज होती दिखाई पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ की तीसरी राजनीतिक पार्टी JCCJ के कार्यकर्ताओं ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र की पीड़ित जनता के साथ मिलकर नवीन अग्रवाल के नेतृत्व आज डोंगरगढ़ PWD विभाग का घेराव किया और डोंगरगढ़ बोरतलाव सड़क निर्माण जल्द शुरू करने की मांग भी की। वहीं इस प्रदर्शन के संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए JCCJ कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल ने बताया कि दो राज्यों को जोड़ने वाली बोरतलाव डोंगरगढ़ अंतर्राज्य सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि उस रोड में चलने वाले लोगों को कभी भी यमराज लेने आ सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि 25 दिन पूर्व भी उनके द्वारा इस सड़क को लेकर प्रदर्शन किया गया था, जहां PWD के SDO द्वारा उन्हें मौखिक आश्वासन दिया गया था, परंतु जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद आज उनके द्वारा PWD विभाग का घेराव किया गया, जहां SDO द्वारा उन्हें लिखित में आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि हरी वाहन RTO बैरियर से बचने के लिए इस सड़क का उपयोग करते हैं, जिससे इस सड़क की दुर्दशा समय से पहले ही हो जाती है। दो राज्यों को जोड़ने वाली अंतर्राज्यीय सड़क, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इतनी दयनीय स्थिति में है कि उस सड़क से चलने वाले लोगों को कभी भी यमराज जी लेने आ सकते हैं। इसके खिलाफ़ में हमने 25 दिन पहले ग्रामीणों के साथ में और शहरवासियों के साथ में चक्का जाम किया था। हमको यहीं के SDO साहब द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द काम की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आज 25 दिन बीत जाने के बाद भी काम की शुरुआत नहीं की गई और हमारे द्वारा उनको बोला गया था कि अगर काम नहीं किया गया तो हम विभाग का घेराव करेंगे। तो हम अपने वादे के मुताबिक विभाग का घेराव किया और हमको आज लिखित में आश्वासन दिए हैं एक हफ्ते का। अगर एक हफ्ते बाद भी काम चालू नहीं किया गया तो हमारे द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर और शहरवासियों के साथ मिलकर चक्का जाम भी किया जाएगा और प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 12 चक्का, 14 चक्का और 16 चक्का जैसे भारी वाहन उसी सड़क से निकलते हैं और पहले ओवरलोड की वजह से और सही कागज नहीं होने से उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बैरियर के द्वारा अधिकारियों द्वारा उनको 500-700 रुपये लेके छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण अधिकारियों के भी हौसले बुलंद है और वाहन चालक के भी हौसले बुलंद है, लेकिन जनता में आक्रोश है। जनता में आक्रोश इसलिए है क्योंकि भारी वाहन चलने से वहाँ की सड़क की दुर्दशा बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, ये आप सभी को पता है। तो हम इसके लिए भी बहुत जल्दी पादेकोड़ा बीजे का घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही भी शासन प्रशासन की होगी। वही डोंगरगढ़ PWD के SDO ने बताया कि उनके विभाग के द्वारा एक सप्ताह के भीतर उक्त रोड में हुए बड़े गड्ढों को बजरी गिट्टी डालकर ठीक करवाया जाएगा। वहीं नए रोड निर्माण के संबंध में SDO ने बताया कि संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा अनुमोदन होकर पत्र वित्त विभाग को चला गया है, जैसे कि अनुमति प्राप्त होती है रोड निर्माण शुरू हो जाएगा। दिया गया है कि लोगों को पब्लिक की सुविधा के लिए आवागमन सिर्फ मतलब बड़े बड़े जो गड्ढे हैं जिसके कारण से आवागमन में असुविधा हो रही है, तो उसको एक सप्ताह के अंदर उसको ठीक करवा दूंगा, गिट्टी मिक्स मटेरियल से उसको ठीक करवा दूंगा। और नए निर्माण नए जो ओरिजिनल जो एग्रीमेंट में जो ओरिजिनल काम होना है उसके लिए मंत्री से अनुमोदन होकर वित्त को चला गया है, वो हो सकता है 1-2 सप्ताह या 10-12 दिन में आदेश आ जाएगा। जो ओरिजिनल काम होगा, जो डामर का काम होगा, वो ओरिजिनल काम आदेश होने के बाद शुरू करवा देना।